जी, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी पार्टीशन है, हमें या फिर ड्राइंग रूम और अपने डाइनिंग एरिया में छोटा सा पार्टीशन, मतलब ऐसा वुडन में दिखाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। या फिर कभी कभी हम लोग फ्रंट डिज़ाइन में भी इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम एक फ्लैट सरफेस पे या तो वो लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर उसको पुश इन और आउट करके वो सब हम लोग करेंगे, या फिर एक आप ड्रॉ करोगे और उसके बाद फिर आप उसको कॉपी करोगे। बट इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्लगइन इंट्रोड्यूस करूँगी जिसमें आप लोग विद इन सेकेंड्स ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले हमें इस प्लगइन को यूज़ करना है। प्लगइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यू कैन सर्च, दैट इज स्लाइसर 5। तो हम अपने जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हमें लाइक ग्रुप में बनाना है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इसके पास हमारे पास थिकनेस है और विड्थ हाइट, ठीक है। बट आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें आप एक्स एक्सिस पे वर्क कर रहे हो, वाई पे वर्क कर रहे हो या फिर जेड पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। वाई, एक्स और जेड, इट्स मतलब कैसे वर्क कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अपना जो स्लाइसर प्लगइन है उस पर फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारा स्लाइसर, उस पर हम क्लिक करेंगे। यू कैन सी वी हैव अ फोर ऑप्शन इन दिस केस, बट हमें जो यूज़ करना है वो फर्स्ट वाला यूज़ करना है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। एक्सिस, अभी जब मैंने बताया कि आप किस एक्सिस पे वर्क कर रहे हो, वो सबसे पहले हमें इस पर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आई एम यूजिंग वाई, कि मुझे वाई के अराउंड इसकी कटिंग चाहिए। फिर उसके बाद आपको स्पेसिंग कितना चाहिए, यहाँ पे मुझे 3, ठीक है। फिर उसमें आपको थिकनेस कितनी चाहिए, क्लियर। हम उस पर गैप नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे स्लाइस को यूज़ करेंगे। रेफरेंस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, और आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। देन हिट ओके। जैसे ही आपने ओके किया, देन यू कैन सी हियर। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमने यूज़ किया था, लेट मी सेलेक्ट दिस वन। यहाँ हमने यूज़ किया था, लेट मी डू वन मोर थिंग। एक इसमें कंडीशन है कि आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है और वो ग्रुप में हो। यहाँ मैंने यूज़ किया था जो स्पेसिंग 3 inches और थिकनेस 1 inch। तो ये कैसे है मैं आपको वो शो कर देती हूँ। यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 inch जो हमने यूज़ किया था थिकनेस, ठीक है। जो स्पेसिंग की बात है वो रहेगा हमारा सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। वो 3 inch आएगा और हमारी जो थिकनेस है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी थिकनेस और स्पेसिंग को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि हमारे पास कोई भी लाइक ऐसा शेप है, आपकी कोई वॉल हो सकती है, वहाँ पे आप कुछ ऐसा डिज़ाइन में पार्टीशन ड्रॉ कर रहे हो, तो हमें वो शो करना है। तो क्या इस केस में भी इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, लेट मी शो यू। कंडीशन वही रहेगी कि ये सॉलिड ग्रुप होना चाहिए। लेट मी शो यू कि ये कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, और नीचे वाले एरिया में हमारे पास फेस नहीं है, ठीक है। आप यू कैन सी हियर, यहाँ फेस नहीं है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट साइड क्लिक किया एंड देन मेक अ ग्रुप। हम कैसे पता चलेगा ग्रुप तो दोनों हैं। आप अपने डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे में हमें एंटिटी इन्फो पे जाना है और सिलेक्ट करना है, यू कैन सी हियर ग्रुप। जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी देन सॉलिड ग्रुप। ये प्लगइन कहाँ यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपके पास सॉलिड ग्रुप होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ देन यू कैन सी हियर, वो कहीं ना कहीं ओपनिंग है उसकी, इसलिए वो सॉलिड नहीं है। सॉलिड केस में क्या रहेगा, इसको हम अंडू करते हैं। जहाँ पे यहाँ डबल क्लिक किया, राइट साइड क्लिक किया एंड देन मेक अ ग्रुप। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँ देन यू कैन सी हियर सॉलिड ग्रुप। सॉलिड ग्रुप क्यों नहीं था, अगर मैं इस अंदर जाके यहाँ से डिलीट करूँ, अब ये ग्रुप है। अगर कहीं से भी थोड़ी सी ओपनिंग होगी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बी श्योर कि वो सॉलिड हो। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ओके लेट मी ओपन, ओके प्लगइन है। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगेन स्लाइस पे वर्क करेंगे।
सेम, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, वाई, ठीक है, 3 इंचेस के केस में और थिकनेस 1 इंच, क्लिक, ओके, नाउ यू कैन सी बिल्कुल स्ट्रेट जिस फॉर्म में, जिस लाइन में हम जा रहे हैं वैसे ही हमें मिल रहा है। अब मान लो ऊपर से आपका कुछ कटिंग में है, सामने से बिल्कुल स्ट्रेट है, तो पहले हमें एक सॉलिड ग्रुप क्रिएट करना है, उसके बाद ही आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसमें हमारे पास और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट किया, अब मान लीजिए इस पे एक सॉलिड लेते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा है, इस केस में ट्रिपल क्लिक किया, राइट साइड क्लिक किया, अंदर मेक अ ग्रुप। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे वर्क किया था, अगर मैं इसमें जाके एक्स और वाई दोनों पे वर्क करना चाहती हूँ और डिफॉल्ट वैल्यू जो है एज इट इज रखूँगी, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, एक्सिस, क्लिक ओके, अगेन वाई एक्सिस की वैल्यू आई, वो मैंने डिफॉल्ट रखी, ठीक है, नाउ यू कैन सी विद एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में क्या हुआ, एक्स साइड भी आपको कटिंग मिली और वाई साइड भी आपको कटिंग मिली, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको एक्सिस ध्यान में रखनी है कि किस साइड आप वो ग्रुप्स, वो अपनी डिज़ाइन चाहती हैं। होप सो इट्स क्लियर, बट फिर भी अगर डाउट रहेगा और आप चाहते हो कि पूरा प्लगइन को समझना है, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।